ट्रैक्स पर खड़ी है पूरे $2.5 लाख की लैम्बोर्गिनी और अभी इसकी ओर पूरी तेजी से दौड़ रही है ये विशाल सी ट्रेन। पर टक्कर होने से पहले मैं ये लैम्बोर्गिनी दे रहा हूँ ब्लेक को। थैंक यू। और इस ट्रेन को भेजने के साथ ही मैं इन सभी सोल्जर्स के हाथों तुम्हारी इस लैम्बोर्गिनी पर 10,000 बुलेट्स भी चलवाने वाला हूँ। इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी। इसमें मजा आएगा। और तुम्हारे पास है पूरे 24 घंटे। तुम अपनी लैम्बो को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। टाइमर शुरू होता है अब। ठीक है, सबसे पहला डिफेंस होगा। मैं यहाँ एक सिंडर ब्लॉक्स की दीवार बनाऊंगा और इसके बाद रेफ्रिजरेटर से भरा हुआ कंटेनर लगाऊंगा और फिर बुलेट से बचने के लिए गाड़ियों की दीवार बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है उन 10,000 बुलेट्स को रोकने के लिए ये काफी होगा? हाँ, ये काफी होगा। ओके, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं है, काम शुरू करना चाहिए। तो ब्लेक जल्दी से 3 स्टोर्स में गया जहाँ मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया और उसके सप्लाईज पर पूरे $78,000 खर्च किए। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा उस पार्ट पर चलते हैं जहाँ ये सामान डिलीवर हुआ था। इसकी सप्लाईज का पहला ट्रक यहाँ आने ही वाला है। विश्वास नहीं होता, मैंने इतना कुछ खरीदा है, ये पूरा सामान भी नहीं है। इसने खरीदा है एक वाटर ट्रक, इसकी कुछ कबाड़ गाड़ियाँ भी आ गई हैं और इसका कॉनेक्स क्रेट भी आ गया है। अभी 5 घंटे ही हुए हैं और उन 10,000 बुलेट्स को रोकने वाला पहला डिफेंस बस तैयार ही होने वाला है। शायद इतना ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। क्या लगता है वो शिपिंग कंटेनर्स एक भी बुलेट को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसके लिए बुरी खबर है। हाँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह गॉड, उसने पूरी रात काम किया। उस चीज को यहाँ पर ले आओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसके साथ ही अगली सुबह तक अपने डिफेंस को भी अपग्रेड करता रहा। देखो, वो स्टोरेज कंटेनर में एक फैन और एक विशाल से क्यूब को डाल रहा है। और जब इसे पूरा होने के बाद देखा तब मैं सच में बहुत इम्प्रेस था। बताओ तुमने क्या बनाया है? मैंने पहले सामने कंक्रीट को लगाया और दीवार का सबसे ऊंचा पार्ट सेंटर में बनाया ताकि वो उन बुलेट्स को झेल सके, क्योंकि वो गन्स बहुत बड़ी और डरावनी है। और साथ ही में स्टोरेज कंटेनर और बहुत सारा पानी। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी लैम्बोर्गिनी सबके पीछे बिल्कुल सेफ है। वो एकदम आराम से खड़ी। तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें बुलेट्स को रोक पाएंगी? हाँ, लगता तो है। मुझे लगता है 50% चांसेस है तुम्हारे पास। 50% भी काफी है। तो इससे पहले कि मैं उन्हें 10,000 राउंड चलाने के लिए कहूँ, मेरे साथ लैम्बोर्गिनी के पास आओ। तुम सिर्फ लैम्बोर्गिनी के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर $1,00,000 भी हैं। क्या? हाँ, डरावने आदमी, पूरी 10,000 बुलेट वर्सेस ये सब कुछ जो ब्लेक ने बनाया है। क्या तुम तैयार हो? इसे खत्म करते हैं, डर लग रहा है। अब लोड हो चुके हैं, फायर करने के लिए तैयार। सर, जब भी आप चाहो। ओह माय गॉड, वो तो इसके किले पर बरसात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये पागल पर है। वो भी सेटअप बॉक्स के लिटरली पर कच्चे उड़ा रहे हैं। ओह नहीं, ओह गॉड, ब्लेक की दीवारों के तो चीथड़े उड़ रहे हैं। हमने ब्लेक को एक चीज नहीं बताई है, ये गन्स उन 4 फेजेस में से एक है जो हमने इस लैम्बोर्गिनी को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं, या ऐसा कहे इसके बाद जो बचेगा उसके लिए। उन्होंने LMG बाहर निकाल लिया है। जानी चाहिए और इसकी लैम्बो हाथ से गई। ओह माय गॉड, ये आखिर के कुछ बुलेट्स हैं। 10,000 सब हो गया। चलो चले, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना। लैम्बो कैसी है? ये पूरी तरह से सेफ है। 10,000 बुलेट्स, लेकिन एक भी स्क्रैच नहीं आया है। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी में एक भी छेद नहीं है। और आखिरी मौका आजमाने, फेज 2 के लिए तैयार हो? हाँ। वो विशाल सी क्रेन देख रहे हो, वो पीली ऑयल निकालने वाली जैसी मशीन, वही है फेज 2। वो क्रेन तुम्हारी कार को 100 फीट ऊपर उठाएगी और उसे 24 घंटे बाद नीचे गिराएगी और तुम्हें उसे तबाह होने से बचाना होगा। सीरियसली? हाँ, ठीक है, उसे यहाँ पर ले आओ। और जब तक हम दुनिया के पहले 100 फुट लैम्बोर्गिनी फ्री फॉल की तैयारी कर रहे हैं, हो गई तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। ब्लेक अपनी लैम्बोर्गिनी को कैच करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। चैंडलर, इधर आ जाओ। हाँ, मैं यही हूँ। तुम उसे कैसे बचाओगे? सारे शहर के तकिए इकट्ठा करो। Step 2, सारे गद्दे भी ले, उसके बाद एक ब्लैंकेट लो। चैंडलर, तुम एक बड़ा बेड बना रहे हो। गुनगुने दूध का एक ग्लास। ठीक है, बस करो, तुम मदद नहीं कर रहे। ब्लेक, अपना ही दिमाग लगाओ। मैं तो गया। मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। पहला दिन हमने अच्छे से पूरा कर लिया और बुरी खबर है वो लैम्बोर्गिनी अब उड़ने वाली है। ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है? मतलब कि आप सबको क्या लगता है? बाउंसी कैसल्स वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सच में बुरा आइडिया नहीं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आइडिया से इंस्पायर होकर ब्लेक ने अपना मास्टर प्लान तय कर लिया था। मैं सभी कंटेनर्स को एक स्क्वायर में रखना चाहूंगा और बीच में एक एक्स बनाकर वहाँ पर बीचों बीच बहुत से एयर मैट्रेसेस, तकिए, बबल रैप और उन सब के ऊपर कुछ उछलती चीजें रखना चाहूंगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। जो कुछ भी मैंने खरीदा है वो एक तो हार्ड कंक्रीट या फिर मेटल ही है, उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर ब्लेक ने अपने क्रू को शहर के सारे एयर मैट्रेसेस और तकिए खरीदने के लिए भेज दिया और अच्छे से नींद न होने के बावजूद भी वो काम पर लग गया। मैं अभी ये सोचने लगा हूँ कि आखिर मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। ओ हाँ सही कहा, मैं एक चैलेंज में हूँ जिसमें एक लैम्बोर्गिनी अभी हवा में तैर रही है। और जब तक ब्लेक का सारा सामान आया तब तक ब्लेक 24 घंटों से जरा भी नहीं सोया था और उसे नींद की बहुत जरूरत थी। अब सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ और सुबह के 4 बजे हैं। और क्योंकि ब्लेक बहुत थका हुआ था तो उसने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही देर सो गया। ब्लेक, क्या वो सीरियस है? ये क्या है, इसके पास मैट्रेसेस, तकिए और ब्लैंकेट्स हैं, बस गुनगुना सा दूध नहीं है। हाँ वही तो सबसे जरूरी है। पर ब्लेक कहाँ है? मैंने सुना है वो सो रहा है। अपना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या वक्त है? कार गिराने का। नाकामयाब बबल रैप की वजह से ये आलिशान लग रहा है। ब्लेक क्या लगता है, लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिमी। इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगी। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये 3 बाउंसी कासल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस। और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ हाँ, ये तो 2 हाँ है। हाँ बिल्कुल। 24 घंटों की मेहनत, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1 लैम्बोर्गिनी को गिरा दो। आवाज काफी भयानक थी। प्लीज सेफ रहना। हो ही नहीं सकता कि वो इससे बची होगी। इन बॉक्सेस को यहाँ से हटा दो। अब हम देखेंगे कि इस कार को कितना डैमेज हुआ है। लाइट्स काम कर रही है। लाइट्स ठीक है। हाँ, हो सकता है इस प्रिंसेस कैसल ने इस कार को बचा लिया हो। सच्चाई का वक्त। इतिहास में तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसने एक लैम्बो को गिरने से बचाया होगा। अगर ये शुरू हो जाती है। देखते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे इस पर पूरा यकीन था। ये जिंदा है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस बम्पर में एक छोटा सा क्रैक आया है। फिर हमने ऑफिशियल अप्रेजर से पता किया कि इससे ब्लेक की लैम्बोर्गिनी की प्राइस में कमी आएगी। मेरे ख्याल से लगभग 10। थैंक यू, गुड न्यूज के लिए शुक्रिया। और यही परफेक्ट टाइम है बताने का कि फेज 3 है फ्लेमिंग कार्स। तुम बहुत ही बुरे। पर क्योंकि ये पहले भी ये कर चुका है, हम लेवल बढ़ाने के लिए पिछली बार से ज्यादा कार्स गिराने वाले हैं। तुमसे कल मिलता हूँ। खुद को साबित करना होगा। बदला लेने का दिन। ब्लेक ने पूरी रात लगाकर फेज 2 के डिफेंस को वहाँ से हटाया और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद वो फेज 3 का डिफेंस बनाने के लिए तैयार हो गया। सुबह के 8 बजे हैं, अभी उठा हूँ। आज करने के लिए बहुत सारा काम है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा फेज 3 का प्लान। मैं शिपिंग कंटेनर की बॉटम को काटने वाला हूँ और इसे कार के ऊपर फेंकने वाला हूँ। फिर मैं लूंगा 2 और कंटेनर्स और मैं उन्हें ठीक कार के ऊपर इस तरह तिरछे रख दूंगा। सबसे जरूरी, इस बार कोई जलने वाली चीज नहीं होगी। लगता है उससे कार बच जाएगी। यस सर, लगा आप ना कहने वाले हैं। फिर ब्लेक ने क्रू से कहकर कंटेनर से लकड़ी का हर टुकड़ा अलग करवाया क्योंकि उसी वजह से वो आखिरी बार चैलेंज हारा था। फिर उसने कंटेनर के बॉटम को कटवाया जो लैम्बोर्गिनी के इर्द गिर्द रहने वाला था। ये स्टोरेज कंटेनर से उसे बहुत डैमेज हो सकता है, पूरा कुचल सकता है। हाँ सच में, इनका वजन ज्यादा होता है। और वो करने के बाद ब्लेक को संभल कर उस लैम्बोर्गिनी को कंटेनर के अंदर डालना था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। एक भी स्क्रैच हजारों डॉलर का नुकसान कर सकती है। ऐसे ही करते रहो, वो कार को बस बर्बाद ही करने वाले थे। उंगलियां संभालो, वो नीचे आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे हम इन कंटेनर्स को वी शेप में रखने वाले हैं। अगर कोई कार बीच में फंस गई तो? हाँ, पर वैसा हो नहीं सकता, इसीलिए हमने वो नुकीली चीज ऊपर रखी है। तुम्हें लगता है उससे कोई कार डिफ्लेक्ट हो सकती है? 100%। 20 मिनट बचे हैं, अब देखते हैं ये लैम्बोर्गिनी उन 5 लाख की तरह पूरी तरह बर्बाद होती है या नहीं। और हमेशा की तरह ब्लेक अपना हर सेकंड इस्तेमाल कर रहा था। 3, 2, 1 नहीं पता इस मिट्टी से क्या फायदा होगा। वक्त खत्म हो गया। नहीं, चलो देखते हैं पिछली बार के मुकाबले अब फेज 3 कैसा होता है। बदले का दिन। ब्लेक, पिछली बार इसी चैलेंज में तुम 5 लाख डॉलर्स हारे थे, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शायद व्यूवर्स एक चीज जानना चाहते हैं, क्या तुमने इस बार भी उसके अंदर लकड़ियाँ डाली हैं? बस थोड़ी सी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है। वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखते हैं क्या होता है। अंदर आ जाओ। 3 शिपिंग कंटेनर्स, बहुत सारी मिट्टी, कॉन्क्रीट, एक अजीब सी दिखने वाली नुकीली छत वर्सेस 10 चलती हुई कार। तुम तैयार हो? तो चलो शुरू कर दे। कार को चला दो। क्या ब्लेक एक कदम और पास जाएगा एक ऐसी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी जीतने के जिसमें पूरे 1 लाख डॉलर्स रखे हुए हैं, या फिर पिछली बार की तरह अपने घर खाली हाथ जाएगा? हमें अभी पता चल जाएगा।
3, 2, 1, गिराओ उसे। नहीं, मुझे लगता है ब्लेक बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अब भी अच्छा लग रहा है? उतना अच्छा नहीं। हाँ, इससे पिछली बार की याद आ रही है। पिछली बार की याद आ रही है। ठीक है, अगली कार के लिए तैयार हो? चलो करते हैं, चलो करते हैं। गिरा दो। ओह माय गॉश, लग रहा है छत अभी से ढह रही है। और जस्ट इन केस, अगर ब्लेक पिछली बार की तरह इस बार भी हार जाता है, उससे पहले मैं आपको इस कमाल के फोन, हम एक के बाद एक कार्स को गिरा रहे थे और हम देख सकते हैं कि हर कार के बाद ब्लेक और नर्वस हो रहा था, पर हमने ये भी देखा कि उन सभी इम्पैक्ट से उस क्रेट को और ज्यादा डैमेज हो रहा था। तुम्हारी नीचे वाली क्रेट दबना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर जो कंटेनर उस लैम्बो की रक्षा कर रहा था, वो कार्स के वजन और गर्माहट से कुचला जा रहा था। जब पिछली बार इसे देखा था तो हर दिन इस बारे में ही सोचता था। और अब वक्त है आखिरी कार का। गिर जा। ओ नहीं, वहाँ अंदर हजारों डिग्री टेम्परेचर होगा। वो कार अभी अंदर पिघल रही होगी। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। ये इतनी तेज कैसे दौड़ रहा है? जरा संभल कर ब्लेक। मैं आ रहा हूँ। सब ठीक है? वो ठीक है। ये देखा ना सबने, अगर और एक कार गिराई जाती तो ये क्रेट पक्का कुचल जाती। तुमने 10,000 बुलेट्स को रोका आराम से। तुमने बीच हवा से कार को पकड़ा और अब 10 जल्दी कार्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। और अब वक्त है फेज 4 का। उस ट्रेन को लाया जाए। ब्लेक जानता था कि ट्रेन अटैक अब तक का सबसे जानलेवा अटैक होगा, इसीलिए उसने शुरू करने में जरा भी वक्त जाया नहीं किया। पटरी से उतारना ही सबसे अच्छा तरीका होगा, इसीलिए मैं यहाँ ये बना रहा हूँ। ये सभी रेल रोड टाइज एक दूसरे के पास है और ये सभी उस ट्रेन के टकराने पर उसके नीचे चली जाएंगी। और अगर मैं ऐसा 100 बार और करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेन इन्हें कभी भी पार कर पाएगी। इन टाइज की वजह से ही पिछली बार मैं हारा था और इस बार यही मुझे जिताएंगी। ट्रैक से बस 2 इंच हट जाए और मैं जीत गया। 2 इंच बहुत ज्यादा होता है वैसे। सही कहा, बस एक बार ये सब हो जाए उसके बाद इस पर कंक्रीट डालूंगा, शायद ये काम करेगा दोस्त, शायद ये काम करेगा। ब्लेक ने अपने क्रू के साथ पूरी रात काम किया और जब मैं अगली सुबह वहाँ पर पहुँचा, जाहिर था इस चैलेंज का उस पर बहुत असर पड़ा था। कैसे हो जिम्बो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? मेरी तो जान निकल रही है। आप जानते ही हो कि इसने इस वीडियो में $2.5 लाख हारे थे और इस वीडियो में उसने $5 लाख हारे थे। शायद ब्लेक हार हार कर थक गया है और उसकी आर्मी बहुत मेहनत कर रही है। वो अभी इस ट्रेन ट्रैक पर कार्स का ढेर लगा रहे हैं जो हमने फेज 3 में गिराई थी, पर वक्त हाथ से निकलता जा रहा था और उस ट्रेन को रोककर लैम्बो को अपने घर ले जाने के लिए ब्लेक ने उस ट्रैक पर और ज्यादा चीजों को रखना शुरू कर दिया, जैसे कि शिपिंग कंटेनर्स, इंपैक्ट को कम करने के लिए मैट्रेसेस। ब्लेक ने बहुत मेहनत की है, अब मैं उसकी टीम में हूँ। और वाटर टैंक्स, उसे पता है वो क्या कर रहा है, पर क्या करे, सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। इस पॉइंट पर ब्लेक ने वक्त खत्म होने से पहले वो हर काम किया जो वो कर सकता था और वो सच में बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। बस हो ही गया, एक आखिरी काम। 2, 1, आखिरी वाला डिफेंस के लिए। वक्त खत्म, रुको, बंद करो। वक्त ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ओह माय गॉश, हमारे फेज 1 के शिपिंग कंटेनर्स, फेज 2 की मैट्रेसेस, यहाँ तक कि फेज 3 की जलती कार्स, ब्लेक तुमने जैसे तैसे पिछले फेजेस की सभी चीजों का इस्तेमाल किया है। देखते हैं तुम वो लैम्बोर्गिनी चलाकर घर जा रहे हो या मुझे तुम्हें घर छोड़ना होगा। चलो अब उस ट्रेन को लाओ, जल्दी करो। इस सब को उड़ाने से पहले ट्रेन को पीछे ले जाना होगा। हमें बहुत पीछे जाना होगा ताकि ये सारी चीजें उड़ाने से पहले ट्रेन बहुत स्पीड पकड़ सके। तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? नहीं, ये बहुत बकवास। सच बताओ ब्लेक, क्या लगता है तुम्हारी लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? जिम्मी, मुझे उम्मीद तो है। और ट्रेन को शुरू करो। ये वो चली। ओ माय गॉश। आ रही है। टक्कर से पहले इसकी रफ्तार लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। बहुत तेजी से बढ़ रही है। पटरी से उतर जाएगी। आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। उसे पटरी से उतार दिया। ओ माय गॉश, मैंने कर दिया। ओ माय गॉश, ये है तुम्हारी नई लैम्बोर्गिनी ब्लेक। ये सिर्फ ये लैम्बोर्गिनी ही नहीं बल्कि ये सारे पैसे भी जीता है। कांग्रेट्स, मैंने कर दिखाया। वीडियो को खत्म करने का बढ़िया तरीका पता है क्या? अभी के अभी वॉलमार्ट जाकर फीस्टिबल्स को खरीदना। ये दुनिया का बेस्ट टेस्टिंग चॉकलेट है। तीसरी बार जीत ही गए। आपसे बाद में मिलता हूँ। यस।